शिवपाल यादव ने आज उन तमाम अटकलों को खत्म कर दिया जो उनको लेकर लगाई जा रही थी। शिवपाल ने कई बार सफाई दी कि अब पद को लेकर उनकी कोई चाहत नहीं। शिवपाल ने जिस अंदाज में ये बातें कही उससे साफ है कि सपा में अपनी भविष्य की भूमिका को लेकर वो फिक्रमंद नहीं है। शिवपाल ने हर सवाल का दो टूक जवाब दिया, इससे साफ है कि उनके लिए उलझन भरा दौर खत्म हो चुका है और वो सपा संगठन को मजबूत करने पर नई मुहिम पर निकल पड़े। पद हमारे लिए कोई माने नहीं रखता। शिवपाल यादव से अखिलेश यादव को लेकर कई सवाल किए गए, बार बार पूछा गया कि आखिर भतीजे अखिलेश अपने ऐलान के मुताबिक पार्टी में उन्हें कब और कौन सी बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं, लेकिन शिवपाल ने हर सवाल के जवाब में सीधी बात की। देखिए, जिम्मेदारी हमारी भी तो है, हमारी भी तो जिम्मेदारी है, हम सभी पदों पर रह चुके हैं, कोई पद ऐसा बचा नहीं जो मैं न रहा, कोई लालसा नहीं पड़ता। हम निकल पड़े हैं तो फायदा ही मिलेगा, हाँ, ये बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे जो भी जिला कमेटियां हैं वो सभी जितने भी हैं, सभी जितने भी प्रत्याशी होंगे लड़ाएंगे। शिवपाल ने बार बार दोहराया कि समाजवादी परंपरा में पद की कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन ये भी कहने से नहीं चूके कि अब तक जो भी जिम्मेदारी मिली उसे मैंने अच्छे तरीके से निभाया है। तो बड़ी जिम्मेदारी तो देखिए, पद हमारे लिए कोई माने नहीं रखता है, हमारे पास सभी पद रहे हैं और हम तो उस परंपरा के हैं, समाजवादी परंपरा के हैं, तो पद मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जनता का विश्वास बड़ी बात है, तो देख ही लिया है कल आपने। ये साफ संकेत है कि शिवपाल अब अखिलेश से पूरी तरह खुश हैं। हालांकि 3 दिन पहले जब अखिलेश यादव से शिवपाल की नई जिम्मेदारी को लेकर सवाल किए गए थे तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया था। चाचा शिवपाल जी, सर क्या? अरे अब क्या बता रहे, वो तो चाचा साथ आ गए, अब क्या बोल रहे हो तुम? जिम्मेदारी आप देने वाले हैं? हाँ, पूछिए कोई जानकारी वाला इंटेलिजेंट सवाल। पहले के दौर में यानी जब शिवपाल अखिलेश से नाराज हुआ करते थे तो वे या तो भतीजे पर सीधा तंज किया करते थे या फिर इशारों में अखिलेश पर बड़े सवाल कर डालते थे, लेकिन मैनपुरी चुनाव को लेकर उन्होंने अखिलेश और डिंपल को जो आशीर्वाद दिया था, परिवार की एकजुटता का जो वचन दिया था, उस पर शिवपाल लगातार कायम हैं और यहां तक कह रहे हैं कि अब राज्य में माहौल बदलना शुरू हो चुका है। इशारा साफ है कि अभी से शिवपाल यादव सपा के मिशन 2024 के लिए कूच कर चुके हैं। अखिलेश का हाथ मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच शिवपाल का पहुंचना शुरू हो गया है। शिवपाल के निशाने पर हर जगह भाजपा की राज्य सरकार है। झूठे मुकदमे इतने लादे जा रहे हैं, 100-100 मुकदमे, 50-50 मुकदमे लाद करके जेल भेजा जा रहा है, तो ये तो परंपरा भारतीय जनता पार्टी के सरकार डाल रही है। ये कोई लोकतंत्र में एक तरह से लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या। सपा की तरफ से चुभते हुए हमले और चाचा भतीजे की नई सियासत पर भाजपा का क्या कहना है, आप ये जान लीजिए। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोई फर्जी मुकदमा नहीं हो रहा और परिवार एकजुट है तो अच्छी बात है, उनके परिवार का मामला है, मेरी शुभकामनाएं, एकजुट रहे। एक तरफ शिवपाल भतीजे अखिलेश का जयगान कर रहे हैं तो उधर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने चाचा भतीजे की एकजुटता पर चुभने वाला हमला बोला है। ओपी राजभर का आरोप है कि सपा ने शिवपाल यादव को धोखा दिया है। शिवपाल जी कह रहे हैं जीवन भर इसी पार्टी में रहूंगा, तो कहां अलग थे? जीवन भर अलग थे कहां समाजवादी पार्टी से? जब से समाजवादी पार्टी बनी तब से दूसरे नंबर का योगदान शिवपाल जी का रहा है। तो अलग पार्टी बना लिए थे, ये समाजवादी पार्टी के अब नहीं जानेंगे ना, भीतर ही लोग बैठ के जो नाराज होते हैं उनको एक जगह इकट्ठा करें, दूसरी जगह न जाएं, फिर बाद में ले आवें, तो ये फिर बाद में ले गए हैं, अपनी तो राजनीति ठीक कर लिए और जो उनके साथ लोग थे वो क्या करें। अब विरोधियों के चुभने वाले तन से बेपरवाह शिवपाल सपा के लिए मिशन लोकसभा की मुहिम जुट गए हैं और उन्होंने अपने इशारों से साफ कर दिया है कि अब उनके लिए सियासी दुश्मन नंबर एक भाजपा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
मैनपुरी का चुनाव जीतने के बाद अखिलेश ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया। अब सपा के नेता पार्टी मुख्यालय में कम, जमीन पर ज्यादा दिखाई देंगे। निकाय चुनाव से पहले यह समाजवादी पार्टी की बड़ी तैयारी है, क्योंकि पार्टी के भीतर से लगातार ये आवाज उठ रही है कि अखिलेश अगर पहले से एक्टिव होते तो आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा जैसी सीट ना गंवानी पड़ती। यानी अखिलेश ने भले ही डिंपल यादव को चुनाव जिता दिया हो, लेकिन पुरानी हार को लेकर आज भी उनकी राजनीति पर सवाल उठ रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा सीट का उपचुनाव अखिलेश के लिए नई सीख साबित हुआ। सपा नेताओं के लिए नया सबक मिला और समाजवाद के लिए नया संदेश लाया। मैनपुरी से ये इशारा मिला कि अगर अखिलेश पूरी मेहनत और ताकत के साथ जमीन पर उतरते हैं तो हवा का रुख बदल सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा हमेशा हो पाएगा? क्या हर छोटे बड़े चुनाव में अखिलेश वैसी ही मेहनत करेंगे जैसी मैनपुरी में की? क्योंकि ये सवाल कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर भी है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजीलाल सुमन ने जो बात कही उसे अखिलेश के लिए नसीहत समझा जा सकता है। जिस तरह से मैनपुरी में परिश्रम किया गया सब लोगों द्वारा, ठीक उसी तरह से सभी उपचुनावों में परिश्रम किया होता तो निश्चित रूप से कुछ और ज्यादा अच्छे परिणाम निकलते। हम यह जरूर कहना चाहेंगे कि मिलने जुलने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की जो जात और धर्म आधारित राजनीति है उसका जवाब मुद्दों पर आधारित राजनीति है। निकायों के चुनाव होने के बाद मैं समझता हूँ मुद्दों पर आधारित एक सतत संघर्ष का लंबा कार्यक्रम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बनाना चाहिए, समाजवादी पार्टी को बनाना चाहिए, और उस लड़ाई के बाद ही एक नई शक्ति पैदा होगी, नई ताकत पैदा होगी, हम ऐसी अपेक्षा करते हैं। अखिलेश यादव ना तो आजमगढ़ में प्रचार करने पहुंचे थे और ना ही लखीमपुर की कोला विधानसभा सीट पर गए। मैनपुरी को छोड़ दिया जाए तो किसी भी सीट पर अखिलेश ने जोर नहीं लगाया। हालांकि अब खबर है कि अखिलेश पार्टी मुख्यालय में कम, जमीन पर ज्यादा दिखेंगे। मैनपुरी उपचुनाव में जीत के बाद सपा ने नई रणनीति तैयार की है। अखिलेश समेत बड़े नेता मुख्यालय पर कम समय बिताएंगे, बड़े नेता ज्यादा से ज्यादा वक्त जिलों में ही बिताएंगे। आम लोगों के बीच पहुंचकर माहौल तैयार किया जाएगा। निकाय चुनाव से पहले सपा की ये बड़ी रणनीति सवाल सिर्फ जनता तक पहुंचने का नहीं है, सवाल पार्टी के उन नेताओं तक भी पहुंचने का है जो मुश्किलों में घिरे। हाल ही में अखिलेश यादव ने जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी से कानपुर पहुंचकर मुलाकात की थी। पार्टी के वरिष्ठ नेता इसे अच्छा संदेश मान रहे हैं। नहीं, ये कोई बदली हुई रणनीति नहीं है। राजनीति में रह करके पार्टी के कार्यकर्ता या नेता अगर गर्दिश में हो, मुसीबत में हो, तो मैं समझता हूँ ये बहुत आवश्यक है कि ऐसे वक्त में उन्हें एहसास कराया जाए कि पार्टी के लोग आपके साथ हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जाने से लोगों में एक नया विश्वास पैदा होता है, भरोसा पैदा होता है, और लोग ऐसा एहसास करते हैं कि मुसीबत में अगर हम हैं तो पूरी पार्टी हमारा साथ देगी। कुल मिलाकर अखिलेश यादव के सामने बड़ी चुनौती है। विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा को टक्कर तो दी, लेकिन जीत की कसर अभी बाकी है। जब से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी राजनीति में आए तो नेताजी की और राह पर ही चले, नेताजी की क्या डॉक्टर लोहिया की राह पर चले हैं, और जो एक समाजवादी पार्टी का नारा था कि तवा कढ़ाई सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, हमेशा उसी फार्मूले पर इन्होंने काम किया है। जब सरकार में थे तो आपको ध्यान होगा कि हजारों हजारों लोगों को, लाखों लाखों लोगों को उनके इलाज के लिए डायरेक्ट पैसे दिए, मदद करी। कुछ ही वक्त बाद निकाय चुनाव है और उसके बाद 2024 में सियासत की सबसे बड़ी परीक्षा। मैनपुरी का घेरा तो अखिलेश ने पार कर लिया, लेकिन असली तस्वीर लोकसभा चुनाव में ही साफ हो पाएगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।